जैन समाज के व्यापारियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल एवं विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील बुद्धिजीवियों के एक वैश्विक मंच जीतो यानी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बेंगलुरु चैप्टर ने मानव सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया है। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना एवं देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु में जरूरतमंदों के लिए देवदूत के रूप में जीतो के पारस ने अपनी कोरोना फाइटर्स टीम के साथ करीब 1 मिलियन अर्थात 10 लाख जरूरतमंद लोगों को अब तक भोजन पैकेट का वितरण कर दिया है। यह क्रम 3 मई तक जारी रखा जा रहा है। जीतो एपेक्स के पूर्व डायरेक्टर रमेश मेहता बताते हैं, निश्चित ही यह सब टीम वर्क से संभव हो पाया है। बामासाहों, दानदाताओं के सहयोग से भंडारी की लीडरशिप व जीतो बेंगलुरु चैप्टर के अध्यक्ष श्रीपाल खेमसरा, सचिव दिनेश बोहरा सहित समस्त कार्यकर्ताओं ने यह अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट के इस दौर में दृढ़ निश्चय, सेवाभावी, शक्ति प्रदर्शन के सिरमौर स्वयं पारस भंडारी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस कीर्तिमानी लक्ष्य को हासिल करने के बाद वे स्वयं क्या बोले। आज हमारे बेंगलोर जैन समाज के अंदर बहुत हर्ष का विषय, समाज की अग्रणी संस्था जीतो ने जो कार्यभार मानव सेवा का हाथ में लिया, कल 28 अप्रैल के दिन 10 लाख से ज्यादा लोगों का भोजन वितरण का कार्य पूर्ण करते हुए इसको आगे बढ़ा रहे और 3 मई तक 11.25 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने का पूरा इसमें योजना तैयार की हुई है। और इसके अंदर विशेषकर इस कार्य के अंदर जो दानदाताओं का सहयोग मिला, जो कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, जो जैन समाज की सभी संस्थाएं संगठन अपने अपने सदस्यों को भेजकर जो सहयोग किया, जीतो की मैनेजिंग कमेटी और जीतो के सदस्य रात दिन एक कर पूरे इस कार्यभार के अंदर पूरा सहयोग दिया और जो भी सबके अंदर मानव सेवा की भावना थी, जो हमने आज तक अपने पुण्य प्रताप से गुरु भगवंतों से जो सीखा था, वो कार्य को हमने हाथ में लेकर आज मानव सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। आज पूरे भारत से बधाइयां जीतों को मिल रही है, आज पूरे भारत से जीतों को बधाइयां मिल रही है। और इसके अंदर सबका सबका प्रश्न एक ही है कि आपने इतना बड़ा भगीरथ कार्य कैसे पूर्ण किया। इसका एक ही है कि हमारे बेंगलोर के जैन समाज का जो टीम वर्क, हमारे जीतों का टीम वर्क और इस कार्य के लिए सहयोग के लिए जितने भी सदस्यों ने जिस भावना के साथ काम किया, ये हम सफलता के शिखर पर पहुंच पाए। और इसके अंदर विशेषकर हमारे जितने भी यहाँ पे टीम कार्यकर्ता है, जीतों के सदस्य है, समाज संगठन के सदस्य है, हमारे जो इस आंगन के जो मुखिया है चैमरा जी, उनकी पूरी टीम है, हमारे जो मगन महाराज अपने कैटरर उनके पूरे स्टाफ है और सब लोगों ने मिलकर जो दिल से, जो तन मन से जो सेवा दी और दानदाताओं ने जो सेवा सबने वो साकार किया, ये कार्य सफल हुआ है। मैं परमपिता परमेश्वर को आज इस सफलता के लिए हमारे पूरे जीतो परिवार की तरफ से, जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे दादा, ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे कि आगे भी कोई कार्य हम हाथ में ले तो जिस प्रकार निर्विघ्न रूप से पूरा हो रहा है, ऐसे ही सब कार्यों में सफलता दे, यही हम प्रार्थना करते हुए बोला जी शासन देव की जय। 29 मार्च से शुरू हुआ जीतो की मानव सेवा का यह व्यापक कार्यक्रम 3 मई तक सुचारू रखते हुए 11 लाख लोगों को भोजन कराने तक जारी रहेगा। सेवा और शक्ति का यह अकल्पनीय प्रदर्शन निश्चित ही सैल्यूट करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीके न्यूज, बेंगलुरु। आप देख रहे हैं छोटेकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।